चलिए आज हम बात करते हैं कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कितनी तरह की कंपनी होती है और कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, मतलब कि क्या लीगल प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में, ये सब कुछ बताया गया है कंपनी एक्ट 2013 में। कंपनी एक्ट 2013 से पहले कंपनी एक्ट 1956 एग्जिस्टेंस में था। इसमें मेजर अमेंडमेंट्स हुए 2012 में। कंपनी बिल 2012 जो था वो लोकसभा राज्यसभा से पास करवाया गया और फाइनली अगस्त 2013 में इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली। तो इस तरह से कंपनी एक्ट 2013 एग्जिस्टेंस में आया। कंपनी एक्ट 2013 सुपरसीडेड द कंपनी एक्ट 1956। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द कंपनी। सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। दिस डेफिनेशन इंडिकेट्स दैट अ कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एंटिटी दैट हैज बीन फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अर्लियर कंपनी लॉ। लॉर्ड जस्टिस लिंडे की डेफिनेशन देखते हैं। सो एज पर लॉर्ड जस्टिस कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर अ कॉमन पर्पज। द कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इज नोटेड इन मनी एंड इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। द पर्सन्स हु कॉन्ट्रीब्यूटेड और टू हुम इट बिलोंग्स आर मेंबर्स। द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज हिज शेयर। सो कंपनी क्या है? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो कि मनी और मनी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको किसी कॉमन पर्पज के लिए, किसी कॉमन प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। ये जो मनी कॉन्ट्रीब्यूट की जाती है इसको कैपिटल कहा जाता है, कैपिटल ऑफ द कंपनी, इसको कैपिटल ऑफ द कंपनी कहा जाता है। और जो लोग जो पर्सन्स मनी को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उनको मेंबर्स कहा जाता है। जितना मेंबर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसी के प्रपोर्शन में उनका जो शेयर होता है कंपनी में वो फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ अ कंपनी। सो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सबसे पहले फीचर देखते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी इज कंसिडर्ड अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सो कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल पर्सन है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। दिस मीन्स दैट कंपनी हैज़ इट्स ओन लीगल राइट्स ऑब्लिगेशंस एंड एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन। कंपनीज आर फॉर्म्ड बाय फाइलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लाइंग विद द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स फॉर इनकॉर्पोरेशन विच इन्वॉल्व द सबमिशन ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको फाइल करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन लिमिटेड लाइबिलिटी। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स and their personal assets are generally protected from the company's liabilities. So जो members होते हैं, जो shareholders होते हैं company के, उनकी liability limited होती है, to the unpaid value of share. उनकी जो personal, in case company अगर insolvent हो जाए या bankrupt हो जाए तो इस case में, इस condition में जो members होते हैं उनकी personal property को company की liabilities pay करने के लिए use नहीं किया जा सकता। सो लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है। देन है परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन मीनिंग इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप। इन अदर वर्ड्स द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस एंड द कंपनी शैल कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस एज यूजुअल अंटिल इट इज बाउंड अप in accordance with the provisions of the company act. It continues to exist unless dissolved according to the provisions of the company's act. So company jo hai unlimited period ke liye chalti hai. Members ki death ya members ki insolvency company ki existence pe koi effect nahi dalta
अनलेस की कंपनी बाउंड अप ना हो जाए तब तक कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में रहती है. नेक्स्ट इज कॉमन सील. अ कंपनी टिपिकली हैज अ कॉमन सील विच इज एन ऑफिशियल स्टैम्प यूज टू ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स. तो कंपनी के अपने सिग्नेचर्स होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करते हैं. While the use of the common seal has become optional in many cases, it may still be required for specific transaction. So it is important to note that the Companies Act 2013 is specific to India, and other countries may have different laws governing the formation and regulation of companies. The Company Act provides a comprehensive framework for the functioning of companies, covering various aspects such as corporate governance, financial disclosure and shareholders' rights. So, ये है company के features. Next, हम पढ़ते हैं types of company. Under the Companies Act 2013 in India, there are several types of companies, each with its own characteristics, rules and regulation. The main types of company include, first one is private company. So, private company कौन सी होती है? As per the Companies Act 2013, a private company is characterized by restriction on the transfer of share, a limitation on the number of members to 200 and a prohibition on inviting the public to subscribe to its shares or debentures. So, private company क्या होती है? Private company होती है जहाँ पे जो members होते हैं वो अपने shares को transfer नहीं कर सकते, किसी दूसरे person को अपने shares नहीं transfer कर सकते. इसमें जो मिनिमम मेंबर होने चाहिए वो 2 और मैक्सिमम 200, और इसके अलावा जो कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर्स या डिबेंचर्स ऑफर नहीं कर सकती टू रेज कैपिटल. नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी के क्या करेक्टरिस्टिक्स है? पब्लिक कंपनी जो होती है वो पब्लिक को अपने शेयर्स और डिबेंचर्स जो है वो सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करती है. इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसमें. और इसके अलावा जो पब्लिक कंपनी है उसमें एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनी उसमें ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती हैं. नेक्स्ट इज वन पर्सन कंपनी. एंड वन पर्सन कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी दैट कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर. This was introduced to encourage small business and entrepreneurs. So small businesses को promote करने के लिए, encourage करने के लिए one person company का concept शुरू किया गया. Then section 8 company, जिसको non-profit company भी कहा जाता है, a section 8 company is formed for promoting commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of the environment or any other charitable purpose. Profits, if any, are applied for promoting the objectives of the company. तो profits जो है वो company को promote करने के लिए ही use कर लिए जाते हैं. इसके अलावा जो members होते हैं उनको dividend, जो उनका dividend होता है वो भी company retain करती है और उसको further company के promotion में लगाया जाता है. Then next is producer company. A producer company is formed by farmers or producers with the objective of improving the income and quality of life of its members. The concept of producer companies was introduced to improve the economic conditions of farmers and rural producers. It can engage in activities related to primary produce, production or growth. So producer company, farmers और producer को की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रोड्यूसर कंपनी का कंसेप्ट जो है वो शुरू किया गया. देन गवर्नमेंट कंपनी. अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट. सो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी होती है जहाँ पे मेजोरिटी जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं. एग्जाम्पल है गवर्नमेंट कंपनी की, जैसे ONGC हो गई, सेल, LIC एक्सेट्रा. देन है स्मॉल कंपनी. द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड सर्टन रिलैक्सेशन एंड एग्जम्पशन टू स्मॉलर कंपनीज. क्राइटेरिया सच एज पेड अप कैपिटल, टर्न ओवर एंड नेट प्रॉफिट्स आर कंसिडर्ड टू डिटर्मिन वेदर अ कंपनी क्वालिफाई एज ए स्मॉल कंपनी.
स्मॉल कंपनी जो होती है, बेसिकली जो स्टार्टअप्स है उनको प्रमोट करने के लिए स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट जो है वो शुरू किया गया। देन है फॉरेन कंपनी। अ फॉरेन कंपनी इज़ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट कंडक्ट बिजनेस इन इंडिया। सच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सर्टन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। एग्जाम्पल्स है फॉरन कंपनी की माइक्रोसॉफ्ट हो, यूनिलीवर, नेस्ले एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉरन कंपनी। नेक्स्ट इज लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी इज वन हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड कंपनीज आर सब्जेक्ट टू अडिशनल रेगुलेशन एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो लिस्टेड कंपनी होती है जिनके शेयर्स जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। वो कंपनी जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं उनके शेयर्स की ट्रेडिंग जो है सेकेंडरी मार्केट में पॉसिबल होती है। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी कंपनी एक्ट 2013 के अलावा जो सेबी रेगुलेशन है उनको भी कंप्लाई करती है। देन अनदर वन इज अनलिस्टेड कंपनी। एंड अनलिस्टेड कंपनी इज वन हुज शेयर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। अनलिस्टेड कंपनीज आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंपेयर टू लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होते। तो इस तरह की जो कंपनीज होती है उनके शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक मार्केट में नहीं हो सकती। सो दीज आर सम ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया। Each type of company has its own set of rules and regulations, and the choice of the type of company depends on factors such as the nature of business, number of members, and the company objectives. So these are the various types of companies. Next is incorporation of company. अब हम पढ़ेंगे कि क्या legal process होता है किसी भी company को शुरू करने के लिए। So incorporation is the legal process used to form a corporate entity or company. The process of incorporating a company involves several legal formalities. Here is a general overview of the steps typically involved in the incorporation of a company. So hum steps dekhte hain ki kis tarah se koi bhi company jo hoti hai wo incorporate hoti hai, existence mein aati hai. So first one is the selection of business structure. जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, सबसे पहले वो किसी भी कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है, बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, कंपनी का स्ट्रक्चर होता है वो डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक होगी या वन पर्सन कंपनी होगी। देन उसके बाद है नेम अप्रूवल। मेंबर्स जो होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, वो एक यूनिक एंड एक्सेप्टेबल नेम कंपनी के लिए चूज़ करते हैं। वो चेक करते हैं कि दे चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रपोज नेम विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट ऑलरेडी इन यूज़। तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी कंपनी का नाम सिलेक्ट किया जा रहा है या चूज़ किया जा रहा है उस नाम से कोई और कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में ना हो। देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को मेम्बर्स जो है वो सबमिट कराते हैं। Then next is digital signature and director identification number. Members obtain digital signatures for the proposed directors and they also apply for director identification number for each director, which is a unique identification number required for directors in India and provided by the central government. It is an 8-digit unique identification number which has a lifetime validity. नेक्स्ट इज़ दी एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन। उसके बाद मेंबर जो होते हैं वो दे फाइल एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द कंपनी नेम। दिस कैन बी डन ऑनलाइन थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स पोर्टल। देन उसके बाद ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग ऑफ इनकॉरपोरेशन डॉक्यूमेंट्स। सो मेंबर्स जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और अदर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं और उसको सबमिट कराते हैं अलोंग विद द फीस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये फॉर्म्स जो है ये ऑनलाइन भी ऑनलाइन फाइल किए जाते हैं। देन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। देन मेंबर्स उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस जो होते हैं
जो भी प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को पे करते हैं. द फीस डिपेंड ऑन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो कैपिटल के बेसिस पे, ऑथोराइज्ड कैपिटल के बेसिस पे जो फीस होती है वो डिसाइड की जाती है. देन नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विल रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स एंड इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर he issued the certificate of incorporation. This certificate serve as proof of the company's existence. So registrar of company finally sab documents check karta hai. Agar usko lagta hai ki sab theek hai, everything is in order, to certificate incorporation jo hai wo issue kar diya jata hai. Then company PAN and TAN. So एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके बाद जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो परमानेंट अकाउंट नंबर पैन और टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं. देन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट. फिर उसके बाद मेंबर्स जो है बैंक अकाउंट खोलते हैं. बैंक कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट खोला जाता है जिसमें कंपनी का जो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक में सबमिट किए जाते हैं. देन स्टैट्यूटरी कंप्लायंस. Ensure compliance with ongoing statutory requirements such as filing annual returns, conducting annual general meetings and maintaining proper accounting record. So yeah, this is the whole procedure to incorporate a company. It is important to note that the specific procedures and requirements may vary based on the jurisdiction and type of company. तो जो भी ये जो procedure है ये vary करता है, depend करता है कि company किस जगह पे खोली जा रही है और किस तरह की कंपनी है, वो टाइप ऑफ कंपनी पे भी डिपेंड करता है. इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ओवरसीइंग कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड द प्रोसेस इज प्राइमरीली कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल. इट इज एडवाइजेबल टू सीक प्रोफेशनल एडवाइस और कंसल्ट विद द कंपनी सेक्रेटरी to ensure compliance with all legal formalities during the incorporation process. So learner, this is all about this session. हमारे अपने next session में हम अगले session में हम memorandum of association, article of association जो कि काफ़ी important documents है जो submit किए जाते हैं at the time of incorporation to the register of companies, हम इन दोनों documents के बारे में पढ़ेंगे. और इसके अलावा prospectus जो है company का जो prospectus होता है उसके बारे में भी जानेंगे. सो टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग.